नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। आज की इस वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाला दोस्तों, उसका नाम है स्टेशनरी शॉप बिजनेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बात करूँ मैं स्टेशनरी शॉप बिजनेस की, तो स्मॉल बिजनेस के अंदर आता है। आप ये कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न देता है ये बिजनेस। तो अगर आपको ये करना है तो मैं बोलूंगा कि दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों बात करूंगा आगे वीडियो में कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, किस प्लेस में खोलने में आपको फायदा होगा और क्या रहने वाला आपका प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों तो पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा कि आप लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपसे ऐसी कोई बिजनेस रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। दोस्तों तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों अगर आप बात करो स्टेशनरी शॉप बिजनेस के बारे में, प्लीज अगर मैं डिफाइन करूँ तो जहाँ पे आपके बेसिक जो आपके नीड्स, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, बोर्ड हो गया, देन अलग अलग चीज़ें एक्सेसरीज जो यूज़ होती हैं इसके अंदर, वो सब सामान जहाँ आपको मिलता है उसे स्टेशनरी शॉप कहा जाता है बेसिकली। दोस्तों दोस्तों बात की जाए स्टेशनरी शॉप बिजनेस के, तो एरिया एंड कस्टमर टारगेट ही बिजनेस है। दोस्तों यहाँ पे आपके जो जो कस्टमर होंगे वो बेसिकली कहा जाए तो, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो, स्टूडेंट्स ही होंगे। तो मोस्टली आपका फोकस होना चाहिए स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स पे, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स पे और ऑफिस गोइंग लोगों पे। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे इसके अंदर, जिसमें आप सारा स्टेशनरी का सामान ले सकते हैं, एक अच्छी खासी शॉप बना सकते हैं। मतलब ऐसी शॉप जिसके अंदर आपके 2 लाख के अंदर सारा सामान आ जाएगा, मतलब इसमें आप कुछ भी छूटेगा नहीं। और साथ में आप गिफ्ट आइटम्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स भी ले सकते हैं जो आपकी सेल को इंक्रीज करेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो डिपेंड करता है पूरी तरह से आपकी जो शॉप है, आप कहाँ पर खोलना चाहते हैं अपना बिजनेस को, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है कि किस जगह पे आपके जो टारगेट ए कस्टमर्स हैं वो आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों तो कुछ प्लेसेस मैं बता देता हूँ आपको जहाँ पे आप ये शॉप खोलेंगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है। आपको स्कूल के आसपास खोलना है जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। नियर ट्यूशन सेंटर हो गया, कोचिंग सेंटर हो गया, जहाँ पे जो फेमस ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, वहाँ आप उसके नियर बाय खोलेंगे तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है। नो डाउट आप मार्केट में भी खोल सकते हैं, मार्केट में भी आप देख लीजिए थोड़ा स्टेशनरी जो शॉप है दूसरी वहाँ पर उस एरिया में ना हो, और आप किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के थोड़ा सा आसपास खोल ताकि वहाँ के बच्चे आपकी शॉप से शॉपिंग कर सकें और आपको प्रॉफिट हो। दोस्तों तो दोस्तों बात हो के इन्वेस्टमेंट की, प्लेस की, अब बात करते हैं प्रॉफिट आपका कैसा रहने वाला है इसमें। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड के ऊपर, कंपनी टू कंपनी के ऊपर, आइटम टू आइटम के ऊपर। कोई अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ लोकल क्वालिटी के होते हैं, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ की आपके पास वैरायटी होगी और डिमांड भी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग में अगर ऑनलाइन एवरेज निकाल दो 30% आपको स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और जो गिफ्ट आइटम्स आप रखने वाले हैं जिनसे आपकी सेल इंक्रीज होने वाली है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन आपको बताऊं तो 70 से 80% प्रॉफिट मार्जिन रहता है दोस्तों। और आप रह सकते हैं जो स्पोर्ट एक्सेसरीज होती हैं, लाइक विकेट हो गया, बैट हो गया, बैट रैकेट हो गया, शॉकर हो गया। दोस्तों इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं उनके लिए आप सामान अगर रखेंगे तो वो भी आपको बहुत प्रॉफिट देने वाला है। मैं इन शॉर्ट कहूँ तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है दोस्तों। अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई सही टाइम नहीं होता, जब आप स्टार्ट कर वो टाइम आपके लिए बिल्कुल सही हो। दोस्तों फाइनली मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप अपने आसपास देखिए, तो बस आपको देखने का नज़रिया चाहिए और बिजनेस आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो देखने देखने का नज़रिया, किसी के लिए वो कचरा हो सकता है, किसी के लिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यार ये था पूरा कंप्लीट वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा दें बिल्कुल अच्छी तरीके से। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जिसमें बात करूंगा अगली फ्रेंचाइजी और बिजनेस मॉडल के बारे में। देखते रहे बोलते टेक, मेरा नाम है नरेन, थैंक यू।